हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करना चाहिए, कोचिंग करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो पहला पेपर होता है जीएस का, उसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करना चाहिए। दोस्तों, एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैंने दो पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट वो है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और दूसरा पार्ट वो है जो कोचिंग संस्थान में अध्ययन करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ सेल्फ स्टडी वालों के लिए। जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, घर में ही बैठ करके और अध्ययन करना चाहते हैं। उन बच्चों के भी कई विचार होते हैं, कई दिमाग में बातें आती हैं कि मैं सेल्फ स्टडी तो करूंगा, परंतु मुझे मार्गदर्शन कौन देगा, मैं कौन सी बुक रिफर करूं, मैं नोट्स कहां से लूं, क्या मुझे नोट्स से पढ़ना चाहिए या बुक से ही नोट्स बनाना चाहिए, इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, सेल्फ स्टडी के लिए मैंने दो भाग बनाए हैं। एक भाग उसके लिए है जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा अव्वल नहीं था, उनके लिए बताऊंगा। और जो ये समझते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूं, अगर पीएससी में आप डट कर पढ़ाई करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं मित्रों कि कोई भी बच्चा हो वह क्रैक करके ही जाएगा, इसके बाहर नहीं होगा। सो दोस्तों, तो पहले उनके लिए बताता हूँ जो थोड़ी ऐसा समझते हैं कि मैं थोड़ी पहले कमज़ोर रहा हूँ, लेकिन अब तो कमज़ोरी नहीं करूँगा, अब मुझे पीएससी निकालना ही है। उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि उन्हें पहले किसी संस्थान के नोट्स परचेस करना चाहिए, या किसी आपके दोस्त हों या फिर किसी रिलेशन में आपको यदि कहीं से नोट्स मिल जाएँ तो और अच्छी बात है, यदि नहीं मिल रहे हैं तो किसी संस्थान के आपको नोट्स परचेस करना होगा और उन नोट्स को पढ़ना होगा। दोस्तों, कई बच्चे ऐसे सवाल भी करते हैं, क्या किसी संस्थान के नोट्स पढ़कर एमपीपीएससी क्रैक किया जा सकता है? दोस्तों, क्रैक किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, दोनों बातें। यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो नोट्स से ही संबंधित थे अधिकतम, तब तो क्रैक ही कर जाएगा, है ना। और यदि नहीं आए तो क्या दोस्तों के संस्थान वाले को? बिल्कुल नहीं, वो तो अपने हिसाब से बना दिया नोट्स, आपको थोड़ी ना बोला है कि मेरे नोट्स पढ़ो और आप क्रैक कर जाओगे। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आपको नोट्स पढ़ना चाहिए, कि कोई किसी भी संस्थान के नोट्स हो, नोट्स जो होते हैं ब्रह्मास्त्र होते हैं। नोट्स तब तक पढ़ना है जब तक कि उसका सर्वस्व ज्ञान ना हो जाए। यदि नोट्स से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, तो उसका आंसर फटाक से आपको देना होगा, तभी आप एमपीएससी क्रैक करेंगे। सो जब ये कंप्लीट हो जाए, तब आपको प्री प्लस मेंस के बुक्स परचेस करना होगा और फिर बुक से अध्ययन करना होगा। दोस्तों, ये रही पहली स्थिति। अब मैं दूसरी स्थिति बता देता हूँ सेल्फ स्टडी वालों के लिए ही, जो समझते हैं कि बड़ी बड़ी बुक देख करके मैं घबराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं, मैं बुक से भी तैयारी कर लूंगा। उन्हें नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली बुक्स खरीदें, वो डायरेक्टली प्री प्लस मेंस के लिए बुक्स खरीदें और उसी में से पढ़ें और नोट्स तैयार करते चलें हर सब्जेक्ट के। दोस्तों, जो मैंने पहली स्थिति बताई थी कि नोट्स खरीदना चाहिए, वह उनके लिए बताया था जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकें देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मैं इतनी मोटी बुकें कैसे पढ़ पाऊंगा, उनके लिए बताया था। और जिनको घबराहट नहीं होती है, वो डायरेक्टली बुक खरीदें और बुक से घर बैठ करके तैयारी करें। अगर कहीं समस्या आती है तो आप इंटरनेट का सहारा लें। ओके, अब बात करता हूं मैं कोचिंग संस्थान वालों के लिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मुझे कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहिए, मेरी पहली पढ़ाई अच्छी ठीक नहीं थी, अब तो मैं अच्छा पढ़ूंगा और मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, है ना, पैसा दाम की व्यवस्था हो जाएगी, तो आपको कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि किसी भी संस्थान में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पैसा बेकार जाएगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा, इसलिए आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए और एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए
जुट जाना चाहिए। दोस्तों आप समझ गए होंगे आखिर मेरा कहने का मतलब क्या था। मेरे कहने का मतलब यही है कि चाहे आप सेल्फ स्टडी करें और चाहे संस्थान में ज्वाइन होकर के तैयारी करें, दोनों में फ़ायदा होगा और आप दोनों से ही MPPSC क्रैक करेंगे। ऐसा नहीं है, कई बच्चे पूछते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी करने से MPPSC क्रैक होता है। बिल्कुल होता है दोस्तों, 100% होता है, परंतु उसके लिए लगन होनी चाहिए और कड़ी मेहनत होनी चाहिए। दोस्तों ये मैंने बात कर ली MPPSC के बारे में कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर कोचिंग करना चाहिए। दोस्तों जो आप नोट्स लेंगे किसी भी संस्थान के नोट्स लीजिएगा, उसका रिव्यू ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए, उसी के लीजिएगा। दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसे 10 यूनिट में बांटा गया है। पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसके अंदर क्या है, इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के अंदर क्या चीज़ें दी हैं, मैं उस पर बात करूँगा। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ एवं प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अब आगे बात करते हैं दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट भारत का इतिहास है, जिसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। दोस्तों ये भारत के इतिहास से संबंधित दूसरी यूनिट रही। अब बात करेंगे तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के वन, वन उपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। ये रही दोस्तों तीसरी यूनिट। अब बात करेंगे चौथी यूनिट की। चौथी यूनिट में दिया है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब बात करते हैं भारत और विश्व के भूगोल में आखिर क्या है। भौतिक भूगोल, जिसमें भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य तथा सफारी। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी, जनांकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ये रही चौथी यूनिट। अब बात करते हैं पांचवी यूनिट की। पांचवी यूनिट ये भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, यानी मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। बात करते हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था में दिया है मध्य प्रदेश की जनांकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। ये रही पांचवी यूनिट। चलते हैं छठवीं यूनिट पर। छठवीं यूनिट पर दिया है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935,
संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ये रही छठवीं यूनिट। बात करते हैं सातवीं यूनिट की, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। अब चलते हैं यूनिट नंबर आठ में। यूनिट आठ में दिया है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। अब बात करते हैं यूनिट नौ की। यूनिट नौ में है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। यूनिट नंबर 10, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक संस्थाएं, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग। दोस्तों, ये रहा सिलेबस। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया, ये 10 यूनिट में बटा हुआ है और उसका डिटेल भी बताया। दोस्तों, तो फिर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, मैं उसके उत्तर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।